चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में खार्किव, सुमी और अन्य संघर्ष क्षेत्रों की स्थिति को लेकर भारत बहुत चिंतित है। यूक्रेन के खार्किव में मंगलवार को एक भारतीय छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खार्किव में भारतीय नागरिक की मौत पर गहरी पीड़ा जताई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 26 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना का एक C-17 विमान भारतीयों को वापस लेने के लिए आज बुधवार तड़के 4 बजे रोमानिया के लिए उड़ान भर चुका है। रूस के खिलाफ ICJ के बाद अब यूक्रेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंचा है। यूक्रेनी प्रतिनिधि ने हस्तक्षेप की मांग की है और इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। बाइडेन ने कहा है कि रूस के कुलीन वर्गों के अपार्टमेंट नौकाओं को जब्त करने के लिए अमेरिका काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में रूस की आक्रामकता का सामना करने और अमेरिकी मुद्रास्फीति को काबू करने का संकल्प किया। साथ ही बाइडेन ने कहा कि हम अमेरिकी हवाई क्षेत्र में रूसी विमानों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज बुधवार से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो ने खास तैयारी की है। कांग्रेस ने पहले ही विधायक दल की बैठक में अहम मुद्दों को उठाने की रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में है और सत्र का पहला दिन हंगामेदार हो सकता है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में हुए फैसले के मुताबिक बुधवार दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जो 22 मार्च तक चलेगी। इस दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। लोकसभा की तर्ज पर नई परंपरा शुरू करते हुए 9 से 11 मार्च तक सत्रावकाश रहेगा। इस दौरान विधानसभा की तदर्भ कमेटियां बजट प्रस्ताव का अध्ययन करेंगी। हरियाणा में यह अपनी तरह का अनूठा प्रयोग होगा। 2 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी और इसके बाद 3, 4, और 7 मार्च को इस अभिभाषण के पर सदन में चर्चा होगी। यूक्रेन से देश लौट रहे छात्रों की मदद के लिए हरियाणा सरकार मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित कर रही है। यह हेल्प डेस्क आज यानी बुधवार से काम करना शुरू कर रहा है। हेल्प डेस्क के लिए 3 पुलिस कर्मचारियों और हैफेड के एक अधिकारी को मुंबई भेज दिया गया है। हरियाणा के जो छात्र मुंबई पहुंचेंगे, उन्हें हेल्प डेस्क दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। बता दें कि यूक्रेन संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले ही हेल्प डेस्क स्थापित कर लिया है। इस बीच यूक्रेन में फंसे हरियाणा राज्य के निवासियों में छात्रों की सहायता के लिए सरकार ने स्टेट लेवल पर संजय जून को नोडल अफसर बनाया है। सरकार ने मंडल आयुक्त कार्यालय फरीदाबाद में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया है। यह नियंत्रण कक्ष लगातार 24 घंटे कार्य करेगा और इस कंट्रोल रूम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी भी लगाई गई है। यूक्रेन में गए हरियाणा के सभी नागरिकों के परिवारों से सरकार ने संपर्क साध लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार पूरी तरह से प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिष्ठात्मक चुनाव क्षेत्र गोरखपुर समेत 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण की सभी सीटों पर अब कल यानी 3 मार्च को मतदान होगा। 6ठे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार शाम 6 बजे के बाद से प्रचार पर प्रभावी रूप से रोक लग गई है और यह रोक 6ठे चरण का मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। वहीं 6ठे चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है और 3 मार्च को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। 6ठे चरण में कुल 676 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 6ठे चरण के 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 6ठे चरण के विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत कई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इसी चरण में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी मतदान होगा, जहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर
7 चरणों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में अब तक 5 चरणों में 292 सीटों पर मतदान हो चुका है और आखिरी 2 चरणों में 3 मार्च यानी कल और 7 मार्च को 111 सीटों पर मतदान होना बाकी है। आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं और रोड शो हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी ताकत झोंकेंगे। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय आज वाराणसी में जनसभा और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी आज यूपी में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज यूपी में 3 जनसभाएं हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान बाकी है। खास बात यह है कि 7वें चरण के मतदान में वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में पिछली जीत दोहराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य तक वाराणसी में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पीएम मोदी ने 3 से 5 मार्च तक वाराणसी में रहने का फैसला किया है, तो वहीं शाह भी सोमवार और मंगलवार को इसी क्षेत्र में रहे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री और पार्टी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 1 सप्ताह से यहां पर हैं और 5 मार्च तक उनका रहने की संभावना है। उनके अलावा 6ठे चरण का प्रचार खत्म होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगी। वे शाम 4:30 पर एयरपोर्ट आएंगी। शाम 6 बजे दशाश्वमेध घाट जाकर गंगा पूजन और गंगा आरती में शामिल होंगी। अगले दिन 3 मार्च को दिन में लगभग 10:30 पर होटल से एड़े गांव के लिए जाएंगी, जहां पर अखिलेश यादव के साथ संयुक्त सभा में से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा के बाद ममता बनर्जी वापस होटल आकर पार्टी पदाधिकारी और गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करके चुनाव पर चर्चा करने के बाद वापस जाएंगी। पंजाब व हरियाणा में 1-2 दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने से इसका सीधा प्रभाव मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब व हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में 2 व 3 मार्च को गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में आए उछाल में गिरावट आ सकती है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से मई के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान हिंद गंगा क्षेत्र के मैदानी इलाकों में लू का कहर सामान्य से कम रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट।